जगमन वन में सभी तरह के जानवर रहा करते थे। जंगल के राजा शेर के अलावा हाथी, सियार, गीदड़, भालू, कछुआ, मोर, चूहे, बिल्ली, गिलहरी और सभी तरह के पक्षी भी। जंगल में वार्षिक उत्सव आने वाला था। उसके बारे में बातें करते तोता, मोर, कोयल, बुलबुल, हाथी, बंदर और दूसरे कुछ जानवर बैठे हुए थे। अचानक तोता बोला, अरे मेरी जैसी तीखी लाल चोंच भला किसकी होगी, मैं सुंदर भी हूँ और गुणी भी। ये सुनकर मोर बोला, और मेरे जैसे सुंदर पंख किसके होंगे, और मेरे जैसा नाच तो कोई नाच ही नहीं सकता। ऐसे में भला कोयल कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी फुदक कर आगे आई और बोली, मेरे जैसी सुरीली बोली और गाना गाने की क्षमता तो मेरे अलावा किसी में है ही नहीं। ये बातें सुनकर हाथी बोला, भाई तुम लोगों की तरह ही मैं भी तो गुणी हूँ, मेरी याददाश्त का मुकाबला कर सकता है कोई। अब बंदर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अरे मेरी जैसी फुर्ती और समझदारी का मुकाबला कोई कर जाए तो मान जाऊं। तभी कठफोड़वा भी आगे आया और बोला, और मैं अपनी चोंच से कैसे कैसे शानदार घर बनाता हूँ, जो भी देखे बस वाह वाह करता रह जाए। ये सारी बातें चल ही रही थी कि सबने देखा तोता एक तरफ चुपचाप बैठा है। हाथी दादा ने चिंघाड़ कर पूछा, क्या बात है गंगाराम, तुम एकदम चुप कैसे हो गए, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो हमें भी तो बताओ। तोता थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, फिर बोला, अरे हाथी भाई, जंगल का वार्षिक उत्सव आने वाला है। हाँ भाई आने वाला है। मोर ने कहा, मैंने तो अपने पंख फैलाकर नाचने का एक बिल्कुल नया आइटम तैयार कर लिया है। हाँ, इस वार्षिक उत्सव में जंगल के सभी पशु पक्षी भाग लेंगे। हाँ भाई जरूर लेंगे, आखिर सभी को इस उत्सव का इंतजार रहता है। बस यही तो मुझे पसंद नहीं है। ये क्या कह रहे हो गंगाराम, ये क्या बात हुई भला, तुम्हें हम सब का उत्सव में भाग लेना पसंद नहीं है। अरे भाई हम सब का तो भाग लेना पसंद है, पर उनका नहीं है। उनका किनका, ये उन कौन है भाई। हाँ भाई बताओ, ये उन कौन है, बताओ बताओ। देखो भाई हम सब तो गुणी हैं, श्रेष्ठ हैं, ताकतवर हैं, पर वो जो हमारे जैसे नहीं हैं, मेंढक, चूहे, गिलहरी और ऐसे दूसरे जीव और कीड़े मकोड़े जो हमारी तरह गुणी और श्रेष्ठ नहीं हैं, वो भला हमारे साथ हमारी बराबरी पर क्यों हों। उन्हें उस सब से दूर अलग जगह पर रखना चाहिए, वहीं से देख लें जो देखना है, उन्हें उत्सव में हमारे बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात तो हमने पहले कभी सोची ही नहीं। हाँ हाथी भाई मुझे भी गंगाराम की बात सही लग रही है। भालू ने कहा, हाँ भाई वो हमारे बराबर के नहीं है, थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिए। अरे भैया मुझे तो वो कभी अच्छे नहीं लगे, मैं तो बस उन्हें बर्दाश्त करता था, मुझे भी गंगाराम की बात सही लग रही है। कहते हैं ना कि बुरी बात सभी को अपने लपेटे में जल्दी से ले लेती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गंगाराम तोते ने जो चिंगारी छोड़ी थी उसमें सभी जानवर घिर चुके थे। वो सारे खुद को श्रेष्ठ मान रहे थे और उन्होंने तय कर लिया था कि इस बारे में राजा शेर सिंह से भी बात करेंगे। खुद को श्रेष्ठ मानने वाले ये सभी जानवर और पक्षी राजा शेर सिंह के पास पहुंचे और अपनी बात कह दी। मुझे भी
तुम्हारी बात में वजन लग रहा है। भाई जो श्रेष्ठ हैं वो अलग होने ही चाहिए, और जो हमसे कम हैं, गए गुजरे हैं, उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए। उन्हें हमारे बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह ये बात मान ली गई कि इस बार वार्षिक उत्सव में सिर्फ श्रेष्ठ जीवों को ही भाग लेने का अधिकार होगा, और जो गए गुजरे हैं वो उत्सव की जगह से बाहर रहेंगे। और वार्षिक उत्सव के दिन ऐसा ही हुआ भी। वार्षिक उत्सव की जगह पर एक बाड़ खींच दी गई और भालुओं और बंदरों की ड्यूटी लगा दी गई कि उन गए गुजरे जीवों को अंदर ना घुसने दिया जाए। बेचारे चूहे, गिलहरी, मेंढक और दूसरे छोटे मोटे जीव और कीड़े मकौड़े बाढ़ से बाहर रहकर ही उत्सव को देखते रहे। गंगाराम तोता अब पूरे जंगल में अकड़ के साथ उड़ता था, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ लोगों के झुंड में था। जब भी कोई दूसरी तरफ का जीव उसे दिखाई देता तो वो तरह तरह की बातें बोलकर उसे बहुत बेइज्जत करता। पूरा जगमग वन भेदभाव के जहर का शिकार हो गया था। पर अचानक जगमग वन में खाने की कमी होने लगी। सभी को चिंता ने घेर लिया। नदी के पार उस तरफ खाने की भरपूर चीजें हैं, पर समस्या ये है कि हम सभी नदी के उस पार नहीं जा सकते। हाँ, हम में से जो उड़ सकते हैं वो ही जा सकते हैं, या फिर जो तैरना जानते हैं। बात तो सही है, हम श्रेष्ठ लोगों के समूह में से सारे तो नदी पार करके नहीं जा सकते। सबकी चिंता देखकर कठफोड़वे ने कहा, टोक टोक, मैं और मेरे परिवार के लोग लकड़ी की बहुत अच्छी और मजबूत नाव बना सकते हैं, जिसमें बारी बारी से बैठकर सभी नदी पार कर सकते हैं। ये सुनकर सभी खुशी से चिल्ला उठे। देखो भाई, लकड़ी लाने की बात है तो मैं बड़े बड़े मजबूत पेड़ तोड़कर ला दूंगा। हाँ, और मुझे पता है कि कौन कौन से पेड़ कहाँ हैं और कितने मजबूत हैं। आखिर तय हो गया कि हाथी और उसके परिवार के लोग पेड़ उखाड़कर कठफोड़वा और उसके परिवार को लाकर देंगे, और वो एक मजबूत नाव बनाएंगे। नाव बनाने का काम शुरू हो गया और तेजी से चलने लगा। उधर जिन जीवों को गए गुजरा कहकर अलग कर दिया गया था, वो भी खाने की चिंता से जूझ रहे थे। सब चिंता में डूबे बैठे थे कि खरगोश ने चुप्पी तोड़ी। अरे, हम नाव नहीं बना सकते, पर पुल तो बना सकते हैं। टर टर, अरे भाई, मैं मेंढक हूँ, मैं पुल कैसे बना सकता हूँ? ये कोई आसान काम नहीं है। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पर हम सब मिलकर कोशिशें करें तो हो सकता है। हाँ, हम बड़ी नाव नहीं बना सकते, पर छोटे छोटे ढेले पत्थर डालकर नदी पर पुल बना सकते हैं। हम नदी की मछलियों और मगरमच्छों से बात करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। बात सभी को पसंद आई। सबने फैसला किया कि वो छोटे हैं तो क्या हुआ, मिलजुल कर पुल तो बना ही सकते हैं। पुल बनाने का काम शुरू हो गया। नदी में तैरने वाली बड़ी मछलियों और मगरमच्छों ने कहा कि वो सब उनके साथ हैं। खरगोश भाई, आप लोग बेफिकर होकर पुल बनाओ, हम ध्यान रखेंगे कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। छोटे कीड़े मकौड़ों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली कि अगर कोई पुल के करीब भी आया तो उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देंगे। पुल बनाने का काम दिन के साथ रात में भी चल रहा था, क्योंकि जुगनू भी इनके साथ थे और रात में टिमटिमाकर रोशनी कर देते थे। उधर नाव बनाने की तैयारी भी जोरों पर चल रही थी, और उधर पुल भी तैयारी पर था। नाव बनकर तैयार हुई तो सभी खुशी से झूम उठे। वाह, क्या बढ़िया नाव बनी है, मैं तो इसमें कूद कर बैठूंगा
और उस पार चला जाऊंगा। ये कहकर हाथी ने सचमुच नाव में छलांग लगा दी, पर नाव हाथी दादा का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई। जितनी बड़ी नाव बनाने की जरूरत थी उतनी बड़ी नाव बनाने की समझ कठफोड़वों को नहीं थी। पुल तैयार हो गया था। सभी छोटे मोटे जीव जंतु जिन्हें खुद को श्रेष्ठ मानने वालों ने अलग कर दिया था उस पर से नदी की दूसरी तरफ जाने लगे। पुल की सिक्योरिटी भी जबरदस्त थी। बुरी तरह काट खाने वाले कीड़े मकौड़े नदी के मगरमच्छ पुल की सुरक्षा में थे। इधर की तरफ के जीव जंतु झूमते गाते खुशी से नाचते गाते पुल पार कर रहे थे और इस बार इनसे दूर खड़े खुद को श्रेष्ठ मानने वाले जीव लटके मुंह और उदास आंखों से पुल को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो पुल उन्हें मुंह चिढ़ा रहा हो। खुद को श्रेष्ठ मानने वाले ये जीव इस सच को भूल गए थे कि दुनिया तभी ठीक से चलती है जब सब मिलजुल कर चलें और सबको बराबर का सम्मान दिया जाए।